हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉकरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम फ्रॉम जनवरी। तो ये एग्जाम जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मई या जून के अंदर हर साल हो जाता है। तो जनवरी से अगर आप प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं तो कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ये मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। मैं यहाँ पर आपके लिए पैटर्न क्या है इसका, एलिजिबिलिटी क्राइटीरिया क्या है, ये तो हम डिस्कस करेंगे ही। मैं इसके साथ साथ आपके साथ ये भी डिस्कस करूँगी कि सिलेबस क्या है, कौन से सेक्शन में कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हर सेक्शन के ऑल टॉपिक्स भी आपको देने वाली हूँ, पूरी लिस्ट जो है आपके पास हो जाएगी। एंड नॉट ओनली दिस, मैं ये भी बताने वाली हूँ कौन से बुक में से कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने किस बुक में से, तो वो सारी स्ट्रैटेजी भी आपके पास होगी। एंड जो प्लान है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, मतलब टाइम टेबल भी आपको दे दूंगी, टारगेट्स भी आपको मिल जाएंगे, चाहे आप विद बोर्ड्स इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर विदाउट बोर्ड्स अगर आप फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये दोनों के लिए ही जो ये टाइम टेबल है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए आइए ये वीडियो से स्टार्ट करते हैं सेशन अपना। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो लाइक कर देना, एंड अगर आप ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यू एक्सेप्ट द चैलेंज कि जनवरी से लेकर जो मई का टाइम है, जान फेब मार्च अप्रैल मई, 5 to 6 मंथ्स का चैलेंज आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, तो फिर चैलेंज एक्सेप्टेड लिख देना, मुझे भी पता चल जाएगा कि जो मैंने इतनी मेहनत से टाइम टेबल बनाया है वो कौन कौन फॉलो करने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नंबर ऑफ सीट्स देखनी है डिफरेंट कैंपसेस के अंदर, तो वो यहाँ पर मेंशन करी हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। क्वालिफाइंग के लिए 50% मार्क्स चाहिए होते हैं आपको 12th के अंदर ओवरऑल, ठीक है। एंड अगर आपने अभी एग्ज़ाम नहीं दिया, मतलब मई के अंदर यू नो बोर्ड एग्जाम्स हो जाते हैं बट रिजल्ट नहीं आता है, तब भी आप अपियरिंग का ऑप्शन यूज़ करके ये वाला जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। एज लिमिट है इसके अंदर नॉट मोर देन 22 ईयर्स एज ऑन 1st जुलाई इन द ईयर ऑफ एडमिशन। नॉर्मली एज लिमिट नहीं होती है लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर, बट इसके अंदर और हिमाचल यूनिवर्सिटी के अंदर है। तो अगर आप ये एज क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर सकते देन यू कैन गो फॉर अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, जिसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वो आप चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पे पेपर पैटर्न, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब हम एक टाइम टेबल एक शेड्यूल बनाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सेक्शन कौन सा जो सब्जेक्ट है वो कितने मार्क्स का है। सबसे पहले यहाँ पर 100 क्वेश्चंस हैं, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 100 मार्क्स के हैं, मतलब 1 question इज इक्वल टू 1 mark है। उसके बाद प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, इंग्लिश 40 मार्क्स की है, करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज 40 मार्क्स के हैं, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड 20 मार्क्स के हैं, एंड दिस इज योर पेपर जो 100 मार्क्स का होता है। ये पेपर जो है ये अलीगढ़, कोलकाता और कोझिकोड़े में कंडक्ट किया जाता है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हमने डिस्कस कर ली है, चलिए आइए अब डिस्कस करते हैं सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी और साथ साथ में टॉपिक्स। तो यहाँ पर जो मैंने पहले मेंशन किए हुए हैं जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग सीरीज पजल टेस्ट डायरेक्शन एंड एनालॉजी, ये सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑड वन आउट ब्लड रिलेशंस क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स भी करने हैं, ये आप आरएस अग्रवाल की बुक जो है उसमें से करेंगे। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आरएस अग्रवाल की जो बुक है वहाँ से आप जो ये टॉपिक्स हैं वो सॉल्व करने स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये वाले टॉपिक्स जब आप सॉल्व करेंगे जो रॉन्ग क्वेश्चन होंगे या जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होंगे उनको आप मार्क कर लेना। रिविजन के टाइम पे ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बहुत अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा, एंड जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको वाइल सॉल्विंग पता चले वो बुक के अंदर ही नोट कर लेना एट द टाइम ऑफ रिविजन, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देंगे, ठीक है। तो ये करना है। उसके बाद आता है मैथ्स, मैथ्स में से 1 to 8 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। नंबर्स डे सरफेस एरिया में से आते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन प्रॉफिट एंड लॉस एवरेज टाइम डिस्टेंस एंड स्पीच स्टैटिस्टिक्स, देखिए ये वाले क्वेश्चंस जो हैं वो पहले करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत एक्सपेक्टेड है ये, और इसको आप 18 Days वंडर बाय एस चंद की बुक में से करें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, बहुत ही आसानी से चैप्टर्स उसमें समझाए हुए हैं। तो 18 Days वंडर बाय एस चंद इज समथिंग दैट आई एम गोइंग टू रेकमेंड। उसके बाद आता है इंग्लिश, इंग्लिश में आपका एनोनिम एंटोनिम्स ग्रामर, एनोनिम एंटोनिम्स में से 5 to 10 क्वेश्चंस जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप 30 मिनट्स डेली निकालिए जिसके अंदर आप इंग्लिश करिए, जिसमें सबसे पहले 1 word substitution
कुछ मतलब 10 to 15 आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उठा लीजिए, ठीक है, 10 to 15 ही आप ईडियम्स उठा लीजिए, और 10 to 15 ही सैनोनिम्स और एंटोनिम्स भी उठा लीजिए, ठीक है ना. और ये याद करना स्टार्ट कर दीजिए, जितना जल्दी आप कर सकते हैं उतना ही बढ़िया होने वाला है. 15 to 20 ईच डेली याद करिए एग्ज़ाम से पहले तक, ठीक है. तो एसपी बख्शी की बुक आती है उसके लिए आप जा सकते हैं, और साथ ही में उसके बाद जो आपके दूसरे टॉपिक्स हैं वो मैंने टाइम टेबल में ऐसे है ना, ये वन एंड डन टॉपिक्स हैं कि आपने थोड़े दिन पढ़े और फिर समझ में आ जाते हैं, प्रैक्टिस कर लो. बट ये तो लिस्ट हैं तो कॉन्टिन्यूसली पढ़नी पड़ेंगी. जैसे कि ग्रामर में प्रपोजिशंस टेंसेस जो हैं पहले ये कर लेना, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पहले ये करना, ठीक है, और फिर फिलिंग द फिलअप्स और स्पॉटिंग प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये क्वेश्चन टाइप है. बेसिक जो इनका क्लियर होगा वो यहीं से क्लियर होगा, ठीक है. एक्टिव पैसिव वॉइस आती है, रिपोर्टेड स्पीच, स्पेलिंग्स भी थोड़े से, जैसे जब सैनोनिम एंटोनिम पढ़ रहे हो तो स्पेलिंग भी अच्छे से देख लिए, तो ये आप कर सकते हो एसपी बख्शी में से. उसके बाद आता है लीगल एप्टीट्यूड. लीगल एप्टीट्यूड में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा खुद का कोर्स भी है जिसका लिंक आप चेक कर सकते हैं, ठीक है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर यूनिवर्सल्स की बुक है तो उसमें से जो है वो ये बुक में से आप कवर करें, यूनिवर्सल्स की बुक में से बहुत बढ़िया रहेगा. एंड लीगल टर्म्स एंड मैगजीन्स के लिए आप loggery.com पे जा सकते हैं, और वहाँ पे मैंने PDFs शेयर करे हुए हैं, वो डाउनलोड करके उसमें से याद कर लें. मैंने वीडियोस करी हुई हैं दो loggery YouTube चैनल पे, उसमें से देखें, और हाउ टू लर्न लीगल टर्म्स एंड मैगजीन्स पे भी वीडियो करी हुई है, वो भी आप loggery पर चेक कर सकते हैं. करंट अफेयर्स के लिए देखिए, यहाँ पर आपको यूनिवर्सल्स की बुक खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि स्टैटिक GK भी आपकी कहीं ना कहीं यूनिवर्सल्स में से ही कवर होगी, ठीक है ना. तो यूनिवर्सल्स में से कवर करनी है. ज्योग्राफी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड साइंस, इंपॉर्टेंट फर्स्ट, इंपॉर्टेंट डेज, यूनिवर्सल्स की बुक में आपको MCQs दिए होंगे. अगर तो आंसर पता है क्यों है, बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो अपनी रिसर्च करेंगे बुक के अंदर, नहीं तो सेपरेट नोटबुक में नोट्स बनाएंगे और सारे के सारे MCQs लर्न कर लेंगे इन सभी टॉपिक्स से रिलेटेड यूनिवर्सल्स में से. अगर एक्स्ट्रा पढ़ना है तो ल्यूसेंस हरिवंत में से पढ़ सकते हैं, बट पहले क्वेश्चन रट्टा मारने हैं. करंट अफेयर्स के लिए जो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी गाइस, वैसे तो मैं अगर मॉक टेस्ट बनाकर दूं तो अगर आप उनको खरीदोगे तो मैं मॉक टेस्ट में करंट अफेयर्स कवर करवा दूंगी आपके मैक्सिमम मैक्सिमम, नहीं तो आप प्रतियोगिता दर्पण वाले जो करंट अफेयर्स हैं वो इसके लिए कवर करें, वो ज़्यादा आपको हेल्पफुल करेंगे. प्रतियोगिता दर्पण AMU के लिए सही रहती है, ठीक है. एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं मॉक टेस्ट लेके आऊँ तो कॉमेंट कर देना. जो शेड्यूल टाइम टेबल है आपका वो कुछ ऐसा है, तो यहाँ पर मैं आपको 5-5 days के टारगेट्स दे रही हूँ. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और लॉजिकल चला रही हूँ. अगर आपके पास ज़्यादा कम टाइम है तो आप वन आवर तो दे ही सकते हैं इवन विद बोर्ड एग्जाम्स. अगर 1 hour प्लस के दो लगा सकते हैं स्लॉट्स तो बहुत ही बढ़िया है. और ये सारा मैंने आपके लिए शेड्यूल जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है. दिस इज़ द शेड्यूल दैट आई हैव प्रोवाइडेड, ओके. तो ये है, अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं. अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा इस वीडियो में तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. हम हर फ्राइडे संडे और ट्यूसडे को न्यू वीडियो लेकर आते हैं. स्क्रिबल नहीं, सब्सक्राइब, ठीक है. एंड या तो ज़रूर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, लेटेस्ट अपडेट्स भी आपको हमारे यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे. हम और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैं जैसे कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, उसके जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. अगर किसी और लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसकी भी वीडियोज़ हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है. दैट्स इट, loggery साइनिंग ऑफ. आई विल सी यू सुपर सून. एंड गाइज, ये बात याद रखना कि अप्रैल में जब सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद आप रिविजन करोगे, मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे, और अगर मेरे से मॉक टेस्ट चाहिए तो मॉक टेस्ट loggery.in पर अवेलेबल होंगे. कब तक चाहिए या नहीं चाहिए, करंट अफेयर्स कैसे चाहिए वो आप बता दीजिए, बिकॉज AMU के जो करंट अफेयर्स हैं वो थोड़े अलग होते हैं तो मुझे स्पेशली बनाने पड़ेंगे. आप लोग वो बाय करेंगे या नहीं ये ज़रूर बताना इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. दैट्स इट, loggery साइनिंग ऑफ. आई विल सी यू सुपर सून. बाय एंड टेक care.